जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है, हम लोग आज दो देखने वाले हैं। और जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है तो जीनियस पब्लिकेशन का जो कि ये नया लेटेस्ट बुक है, बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर ये पुराना है कि नया है, तो ये नया सेट है और इसे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट जो है दो को देखने वाले हैं। इसमें टोटल आपका 36 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो सेट नंबर वन को आप लोग देख लीजिए। और यही आपका 36, यहाँ पर जो मॉडल जो सेट है वो 27 है, और जो 28 से लेकर के 36 तक है वो आपका प्रीवियस ईयर का सेट है। चलिए हम लोग जो सेट दो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका जो है टोटल जो सब प्रश्न होंगे 200 मार्क का होगा और 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे का जो समय मिलने वाला है। चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि डी बी एस गुहा के नवीनतम प्रचलित जो मत के अनुसार भारत की आरंभिक जातियों के विन्यास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको बांटा गया है 6 वर्गों में, ऑप्शन सी करेक्ट। रिंग वैदिक आर्य किस भाषा का जो प्रयोग करते थे, रिंग वैदिक जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग क्या करते थे। जो रिंग वैदिक ग्रंथ एवं साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में जो है रचे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर है कि बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, कहाँ पर। तो यह तक्षशिला में प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर भी मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो तक्षशिला में। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, तो यह नगर शैली के रूप में जानी जाती है। संगेज खा किस देश का निवासी था, संगेज खा यह मंगोलिया का निवासी था। बहमनी का राज्य निरंतर संघर्ष में किस राज्य से व्यस्त रहता था, बहमनी का जो राज्य है निरंतर संघर्ष में और किस राज्य से यह व्यस्त रहता था, तो विजयनगर से। अगला प्रश्न है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं M.K. गांधी यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी। कोलकाता शहर की जो संस्थापक कौन था, तो कोलकाता के जो संस्थापक थे वह जॉन चार्नॉक थे, कौन, जॉन चार्नॉक। 9 नंबर प्रश्न कि ब्लैक होल एपिसोड ये किस युद्ध के पहले की घटना है, किस युद्ध की पहले की घटना है, तो ये प्लासी युद्ध की जो है दोस्तों ये पहले की घटना है। देखिए कोलकाता युद्ध के बाद जो है फोर्ट विलियम के 146 कैदियों को जो है 20 जून 1756 में रात की जो है 14 फुट अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें से जो है 23 व्यक्ति जीवित रहे और बाकी जो सारे थे वो उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो यही ब्लैक हेल एपिसोड से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ये कब लागू हुई, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है ये कब लागू हुई, तो 1835 में यह लागू हुआ, 2 फरवरी 1835 को यह प्रारंभ की गई। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता या दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है, यह प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यह कब, यह पारित हुआ था 1919 में। भारतीय संविधान ये जो हम लोग का ये कैसा संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है अर्धसंधीय और संधियवत है, क्या है, अर्धसंधीय और संधियवत है, ठीक, ऑप्शन वी करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोगों कौन थे, तो ये सभी लाखों लोग यहूदी थे, कौन, यहूदी। अगला प्रश्न कि पाकिस्तान जो है नाम किसने गढ़ा, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मूल नाम है यह चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था, कब, तो ये 1930 में, याद रखिएगा मुसलमानों के लिए जो अलग स्वतंत्र राष्ट्र की जो परिकल्पना सर्वप्रथम 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो है इलाहाबाद में प्रस्तुत की थी। और ये इसमें पूछा गया कि नाम किसने गढ़ा, तो नाम गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 1930 जो है नहीं कहा जा सकता है, तो 1930 आप लोग मत कहिएगा, ये गलत है। 1930 में जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी परिकल्पना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि निम्नलिखित में जो है किस राज्य में आपातानी,
आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। देखिए आपातानी जाति के जो लोग किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में ये रहा करते हैं। हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? इन चारों में से जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जो काजीरंगा उद्यान है ये सर्वाधिक हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का जो है पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको पहाड़ी की तल की ओर जो गमन करना यह क्या कहलाता है? तो यह मृदा अपरदन कहलाता है। भारत में जो है सर्वाधिक भूमि पर किस मृदा का विस्तार है? सर्वाधिक भूमि पर जलोढ़ मृदा का। थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? थीन बांध ये दोस्तों रावी नदी पर है, ऑप्शन सी करेक्ट। भारत के प्रायद्वीप एवं कंडला पतन निम्न तट पर स्थित है? किस तट पर? प्रायद्वीप और ये कंडला जो पतन है ये पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रायद्वीप जो पूर्वी पर और कंडला पश्चिमी पर, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि गांधी के दांडी मार्च का जो संबंध वह किससे है? खिलाफत सविनय अवज्ञा या फिर खिलाफत सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग या फिर भारत छोड़ो, कौन सा होगा? ये जो दंडी संबंधित है ये दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक। 19 में जो दंडी मार्च के द्वारा नमक कानून जो है तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि भारत और जो श्रीलंका के बीच में कौन सा जो द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है? इसका बेसिक मूल आधार पूछा गया। तो सर्वाधिक जो है निकाय और ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं जो है परियोजनाओं के आय व्यय को जो है दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जो है जाँच करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि हिमपात तब होता है जब, देखिए हिमपात तब होता है जब वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है। क्या होता है? वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का जो दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? निम्नलिखित में से किस महासागर की जो महासागरीय धाराएं हैं इसकी जो दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है और ऐसा होता है हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? देखिए विषुवत रेखा जो है यह किस देश से होकर के, तो ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, ऑप्शन हम लोग का इसमें बी जो है करेक्ट होगा, ठीक। अगला कि सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब कब, तो इसमें हम लोग का देखिए राइट आंसर होगा कि चंद्रमा जब, यहाँ पर चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक। चलिए अगला है कि बृहस्पति का जो अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो है उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर वायजर वन है, कौन? वायजर वन। निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं है? देखिए मध्यम मार्गी जो है नहीं है इनमें से, तो बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश सांसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश सांसद के लिए चुनाव जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा का जो अनुमोदन सांसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो यह है 1 माह के अंदर। मतदाताओं की जो सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, यह प्रश्न है कि राज्य का जो विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने, या फिर जो बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह जो है व्यवस्था जानी जाती है।
प्रश्न है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य को बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, या जो व्यवस्था है इसे क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को शिष्टाचार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो है शिष्टाचार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो यह संभालेंगे भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का जो निर्देश दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 40 का। प्रश्न है कि अनुच्छेद जो 40 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? चाणक्य है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन जो है कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व प्रस्तुत करता है। अगला है कि भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा हुई? तो यह हुई थी भारत शासन जो अधिनियम है 1892 के द्वारा। चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत है 1892 के द्वारा हुई, भारत शासन अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की ये सहायता करता है, तो ये किस रूप में? उनके भुगतान संतुलन में उसकी जो है लघु असमव्यवस्था अवधि के जो है दौरान ये मदद करता है, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में GNP और GDP के बराबर होता है? जो GNP है GDP के बराबर होता है, याद रखिएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में GNP जो है GDP के बराबर होता है? तो यह होता है बंद अर्थव्यवस्था में। अगला है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम हैं वह कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी करेक्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है कि एशिया का जो प्राचीनतम तथा जो है विशालतम बौद्ध मठ स्थित है? तो यह है त्वांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल का जो है अस्थायी बंदोबस्त ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? तो यह किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रश्न है कि बंगाल का जो अस्थायी बंदोबस्त ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र की जो निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी जो है मेल सही नहीं है? तो इसमें हम लोग का देखिए, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है धर्म में विकास, ये हम लोग का गलत है। बाकी जो हम लोग का ये तीन है वो तीन जो है आपका सही है। देखिए पुलित्जर जो पुरस्कार है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जो है पत्रकारिता साहित्य एवं संगीत के जो है विभिन्न विद्याओं में विशिष्ट योगदान के लिए जो है अमेरिकी नागरिकों को ये दिया जाता है। ठीक, चलिए और नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर देखा जाए। ये भी प्रश्न हम लोग का दोस्तों मिलान करने वाला है, सूची वन को जो है सूची टू से हम लोग मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पर मिडनाइट चिल्ड्रेन ये पुस्तक है और इसके एक तरफ जो लेखक है, तो ये मिडनाइट जो है दोस्तों ये सलमान रुश्दी का है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किनकी है? तो ये किरण देसाई का पुस्तक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किनकी है? ये याद होगा आपको, ये अरुंधति राय का है। और ये जो द व्हाइट टाइगर है ये अरविंद अरडिंग का है। देख लीजिए इसका मिलान, पुस्तक का आरोप लोग याद कर लीजिएगा। कुट भाषा में हम लोग को देना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन ए के साथ जो है हम लोग का चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 48 नंबर कि मिसाइल का जो जनक किसे कहा गया है? मिसाइल का जनक अब्दुल कलाम जी को कहा गया है। विषम शब्द पहचानिए, इसमें हम लोग का देखिए विषम शब्द जो है वो कौन सा होगा? तो एक्सल जो है इसमें हम लोग का एक्सेल, ये विषम शब्द है। ठीक, बाकी जो देखिए एक्सेल अन्य तीनों से भिन्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नेट नेट एस्केप है और मोजिला है, तो इन सभी से जो ये भिन्न है। ठीक, यहाँ पर जो मोजिला ये सभी जो है नेविगेटिंग प्रोग्राम है। ठीक, चलिए अगला है कि टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले जो गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राथमिक कुंजी। अगला है कि निम्न में कौन सा विकल्प जो है विज्ञान की तीन शाखाओं को इंगित करता है? देखिए विज्ञान के तीन शाखाओं को कौन कौन जो है इंगित करता है? तो यहाँ से भौतिक,
रसायन और जीवी, हम लोग का ऑप्शन सी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला है कि द्रव्य में पृष्ठ तनाव का जो कारण, तो इसमें कारण होता है कि अणुओं का जो है मध्य संसंजक बल। क्या होता है? अणुओं के बीच जो है मध्य जो है संसंजक बल, ये पृष्ठ तनाव का कारण है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से हम लोग का जो पारस्परिक तरंग है ये नहीं है। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले जो सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? तो वह जो वस्तु होगी सतत वेग से चलती रहेगी। यदि उस पर लगाया गया जो बल शून्य हो तो वह जो वस्तु है वो अपनी ही चाल में सतत वह चलती रहेगी। ठीक। चलिए अगला है कि परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आण्विक गति बंद होती है? जहाँ सभी आण्विक जो है गति बंद होती है, तो वह है परम शून्य, ऑप्शन एक और एक। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डॉट डॉट बैटरी से संबंधित। देखिए ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से सिरा जो है बैटरी से संबंधित है। एक पिंड किसी द्रव्य में तैर रहा है तो पिंड और द्रव्य का जो घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबा कर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो छोड़ दिया जाए तो ये जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। क्या होगा? जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वह वहीं रहेगा। दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? तो यह दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से, यही दूरबीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो वोल्टेज नहीं, इसमें सर्किट में जो है प्रवाह होने वाले जो अधिक सर्किट में प्रवाह होने वाले जो अधिक विद्युत को रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परिशोधक का जो प्रयोग है डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसमें जो है एसी और डीसी, ऑप्शन डी करेक्ट। एसी और जो डीसी परिवर्तन के लिए परिशोधक का जो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो इसमें मुख्यतः जो है कार्बन और जो है लोहा होते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में जो है उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये दोस्तों उत्तरामेरूर में मिलता है उल्लेख। अगला है कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं? इसके पीछे का कारण, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण जो है प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, ऑप्शन विकर्ण। उच्च अपवर्तनांक के कारण जो प्रकाश की किरणें हैं आंतरिक रूप से जो है परावर्तित होती है। अगला 64 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु होता है, तो यह दोस्तों कांसा जो मिश्र धातु होता है आपका कॉपर और जो है टिन का होता है। कॉपर 88% और 12% इसमें टिन होता है। अगला है कि पारा का अयस्क है, देखिए पारा का जो अयस्क है वो कैले सॉरी कैलो मल है। क्या है? कैलो मल। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो इसमें से हम लोग का इनमें से जो है कोई नहीं होगा। देखिए एक आयतन सांद्र HNO3 तथा तीन आयतन सांद्र जो HCl के मिश्रण को जो है एक्वा रेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? देखिए दोस्तों कृत्रिम रूप से जो है पकाने में प्रयोग की जाती है किसका? तो एथिलीन का। आदर्श गैस की जो है उच्च सॉरी आदर्श गैस की जो है ऊर्जा आधारित होती है, तो यह आधारित होती है तापमान पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या का इसके जो क्या परिणाम है? तो इसके परिणाम दोस्तों द्रव्यमान का जो है ऊर्जा में रूपांतरण। क्या? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की जो है मध्य आयु टी है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में जो है उपस्थित 70%
सक्रिय 70% सक्रिय नाभिकों का जो है कितने समय में जो है क्षय हो जाएगा, तो यह क्षय हो जाएगा 2T समय में। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? यह सबसे पहले जो है यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह जो है MJ स्लाइडेन और स्वान, जिसको शॉर्ट में स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो है कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य तो ऑक्सीजन का जो अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर, यह प्रश्न है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? दोस्तों इसमें शरीर का आहार नाल जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर के, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? दोस्तों इसमें अवचूषण जो वो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। अगला है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि जो ताप स्थिरांक का जो काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि अपथाल्मिक संबंधित है, ये अपथाल्मिक पूछा गया कि संबंधित है तो ये आँख से संबंधित है। एक वयस्क मानव में रक्त का जो निर्माण होता है किसके द्वारा? यह रक्त का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में लुप्त प्राय प्रजाति का जो युग्म कौन है? देखिए लुप्त प्राय प्रजाति का इसमें से जोड़ा जो पूछा गया कि कौन सा है, तो वह जोड़ा है गॉर्डन लिजार्ड, जो कि मैक्सिकन प्राणी है, यह लुप्त होया जा रहा है, यहाँ पर यह लुप्त होते जा रहा है। बाकी जो हम लोग का ये 3 है ये सही है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीवाश्म से। रेडियो कार्बन जो काल निर्धारण है ये जीवाश्म की जो आयु ज्ञात करने से संबंधित है। अगला कि वायु को शुद्ध करता है कौन? देखिए वायु को शुद्ध करता है पादप। मैथिली भाषा बिहार के किस या फिर किन जिलों में बोली जाती है? मैथिली यह खास करके दोस्तों बोली जाती है दरभंगा और मधुबनी में, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए और बी होगा। ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन डी में जो हम लोग का सही होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला है कि अंग महाजन पद का जो है प्रथमतः उल्लेख जो है सत्यपद ब्राह्मण में मिलता है। दूसरा है कि अंग महाजन पद की जो राजधानी वो मालिनी थी। और तीसरा है कि कालांतर में बिम्बिसार ने अंग महाजन पद को जीत कर मगध साम्राज्य में मिलाया। तो इसमें हम लोग का तीनों में देखा जाए कौन सा सही है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें हम लोग का पहला जो है गलत है, बाकी जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन जो उत्तरी गंगा के मैदान की जो विशेषता? देखिए उत्तरी गंगा जो मैदान की विशेषता है उपयुक्त में सबका सभी होगा, जैसे कि जलोढ़ पंखी क्षेत्र है, पश्चिम में उच्च भूमियां है, और जो है तराई की क्षेत्र की जो है मौजूदगी है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्न में जो किस महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया? किस महिला ने, और उस महिला का नाम था अम्रपाली। कौन? अम्रपाली। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर है कि पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा, यदि पंचायत का चुनाव कराना है तो राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। अगला है कि निम्न में किस रेलवे जोन की जो है रेल लाइनें बिहार से होकर नहीं गुजरती है? किसके? बिहार से होकर के ये इसमें से उत्तर रेलवे की जो है वो नहीं गुजरती है। ठीक। प्रश्न के निम्न में जो किस रेलवे जोन की जो रेल लाइनें हैं बिहार से होकर के नहीं गुजरती है? तो उत्तर रेलवे के। देखिए यहाँ पर बिहार में रेल परिवहन की जो शुरुआत है ये कब हुआ था? तो 1860-62 के दौरान हुआ था। और बिहार में रेलवे का जो निर्माण है ये मुगल सराय से बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर व भागलपुर होते हुए कोलकाता तक जो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा जो ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पर कुषाणों का जो अभियान कब हुआ? कुषाणों का अभियान जो है ये कब हुआ? तो यह हुआ था प्रथम शताब्दी में।
निम्न में कौन चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी में के सहयोगी नहीं थे? तो उनके सहयोगी जो श्री कृष्ण सिंह ये नहीं थे पूछा गया है, तो नहीं होंगे। राज्य सिविल सेवा का जो आयोजन करने वाली संस्था बिहार में कौन है? सिविल सेवा, तो ये दोस्तों हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर हम लोग का जो प्रश्न है। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 315 के आई के अंतर्गत जो है बिहार लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था, जिसको बीपीएससी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन बिहार राज्य में चलने वाली जो योजना है, देखिए इसमें से हम लोग का बिहार राज्य में तो सभी योजनाएं हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना और महादलित शौचालय निर्माण योजना, ये सभी होंगे। यहाँ 91 नंबर से हम लोग का जो है गणित का प्रश्न शुरू हुआ, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और आप लोग जो है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए 91 का राइट आंसर आपका जो है सी होगा, 92 का जो प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा आपका, 92 का राइट आंसर आपका बी होगा, 93 का राइट आंसर ए होगा, 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, 95 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 95 का राइट आंसर डी होगा। तो ये 5 प्रश्न गणित का था। प्रश्न के हाल ही में भारतीय रेल ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 डीजल रेल इंजन प्रदान किए? तो यह प्रदान किया गया है बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर अमेरिका का जो तीसरा और अंतिम अंतरिक्ष अभियान जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, इस मिशन के तहत भेजे गए जो है रोवर यान का नाम है? तो इस रोवर यान का जो नाम है दोस्तों वह जो है परसेवेरेंस है, क्या है यहाँ पर जो परसेवेरेंस है, ठीक परसेवेरेंस है। अगला प्रश्न 98 नंबर है कि भारत के उस टैंकरोधी गाइडेड मिसाइल को क्या नाम दिया गया है जिसका जो सफल परीक्षण 2020 जुलाई 2020 के दौरान ओडिशा स्थित परीक्षण स्थल से किया गया? तो उसका नाम दिया गया है ध्रुवास्त्र, क्या ध्रुवास्त्र उसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर के विश्व मानवता दिवस जो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है 100 नंबर है कि भारतीय रेल देश के पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित कर रही है, इस योजना के तहत इन राजधानियों को किस वर्ष तक जो रेलवे नेटवर्क में जोड़ने का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य दोस्तों 2023 तक रखा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कम्प्लीट कर लिया और यह हम लोग का बिहार दरोगा भर्ती 2023 जीनियस पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 था। अगला जो सेट है आपको कल शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।